सब गाइस, दिस इज मी रविंद्र राणा। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। Hey, what's up guys? स्वागत है आप सभी लोगों का नए वीडियो में, जिसमें आज हम बहुत ही कमाल के पार्कर मूव स्वीट वॉल्ट, लेजी वॉल्ट और डैश वॉल्ट को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये तीनों पार्कर वॉल्ट बहुत ही स्टाइलिश और इफेक्टिव हैं किसी भी ऑब्स्टिकल को स्पीड के साथ क्रॉस करने के लिए। जी दोस्तों, मैं हूं रविंद्र राणा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले मूव से। So guys, सबसे पहला मूव स्पीड वॉल्ट। स्पीड वॉल्ट के लिए आपने सबसे पहले इस तरह से छोटी हाइट वाले वॉल के पास आ जाना है और आपको नॉर्मल फर्स्ट स्टेप में अपने लेफ्ट हैंड को नॉर्मल मूव के साथ लेफ्ट हैंड को ऊपर लगाना है। सेकेंड मूव आपका होगा राइट लेग को इस तरह से वॉल के ऊपर रखना और थर्ड मूव होगा अब आपने पुश करते हुए अपने लेफ्ट लेग को दोनों के बीच, दोनों हाथ और पैर के बीच से आगे की तरफ इस तरह से आपने निकालना है और आगे की तरफ मूव हो जाना है। एक बार दोबारा से देख लें, वन मूवमेंट, टू मूवमेंट एंड आपने दोनों हाथ और पैर के बीच से इस तरह से लेफ्ट लेग को निकालते हुए आगे मूव कर जाना है। सो गाइज, अब आपने तीनों मूवमेंट को एक साथ कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, वन टू एंड पर ध्यान रखना है, आपने अपने नी को वॉल के ऊपर नहीं मार देना है, हल्का सा फोल्ड करके ऊपर उठाना है और क्रॉस करने की कोशिश करना है। नाउ गाइस, अब सेम मूवमेंट के साथ आपने हल्का सा रनिंग ऐड करना है और हल्का सा स्पीड करके क्रॉस करना है। ध्यान से देखें इस तरह से, रेडी, इस तरह से आपने हल्का स्पीड रन करना है और सेम मूवमेंट को कंटिन्यू रनिंग के साथ ऐड करते हुए कंप्लीट करना है। नाउ अब आपको हल्का सा अपनी जंप को इंक्रीज करना है और जंप के बाद यानी टेक ऑफ के बाद आपने लास्ट कॉर्नर में पैर को लगाते हुए क्रॉस करने की कोशिश करना है। इसमें आप थोड़ा सा हाइट लेंगे जंप के बाद और नॉर्मल टच करते हुए ऑब्स्टिकल को क्रॉस करेंगे। So guys, इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपने ऑब्स्टिकल को क्लियर करने की कोशिश करना है, पूरा क्लियर करने की कोशिश करना है, जिसमें आपका जंप, टेकअप के बाद आगे का मूवमेंट और पैर को आगे की तरफ फेंकना है और लास्ट मूवमेंट में आपने हाथ से पुश करते हुए ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें किस तरह से। So guys, इस तरह से आपने क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है, टेकअप के बाद जंप थोड़ा सा हाइट से लेना है और पैर को आगे फेंकते हुए लास्ट मोमेंट में हाथ से पुश करते हुए वॉल को क्रॉस कर लेना है। जब आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड से भी होने लग जाएगा और जंप भी इंक्रीज हो जाएगा। तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। अब आपने थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज करना है और जंप को भी इंक्रीज करते हुए फुल स्पीड के साथ पूरे मूवमेंट को कंप्लीट करना है। So guys, अब आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है इसे। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड मूव की तरफ। So guys, सेकेंड मूव है लेजी वॉल्ट और सबसे पहले इस तरह से ऑब्स्टिकल के डायगोनल में खड़े हो जाएं और अब आपको ऑब्स्टिकल को देखना है, उसकी हाइट कितनी है और आपने कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है और इस तरह से खड़े हो जाएं। अब आपको यहाँ पर तीन मूवमेंट प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहला आपका हैंड प्लेसमेंट, दूसरा लेग स्विंग और तीसरा लेग से टेक अप लेना। किस तरह से आपने, ध्यान से देखें, हाथ को इस तरह से लगाएं और पूरा वेट मतलब डालने की कोशिश करें हाथ में। दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ से लेग का स्विंग करना है और तीसरा आपने यहाँ से हल्का हल्का जंप करना है स्विंग के साथ नॉर्मल। इस तरह से पहले स्विंग कर लें नॉर्मल और अब आपने क्या करना है, हल्का टेकअप, रेडी टेकअप, डायगोनल खड़े हो जाए, हाथ को फिर लगाएं और दूसरा स्विंग, तीसरा टेकअप, इस तरह से नॉर्मल, वन। साथ ही साथ इतना मूवमेंट आपने पहले प्रैक्टिस करना है, इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए क्योंकि यहां पर जब आपका लेग स्विंग होगा गाइस, लेग स्विंग से ही आपका आधे से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा लेजी वॉल्ट और मेन यहां पर आपका लेजी वॉल्ट में लेग स्विंग ही है और साथ ही साथ आपका हैंड का पुश मूवमेंट।
ये तीनों मूवमेंट आपका आ गया तो आप बहुत इजीली लेजी बॉल को क्रॉस कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर जंप को इंक्रीज करना है, थोड़ा सा जंप को स्पीड से करना है और लेग स्विंग को आगे की तरफ फेंकते हुए हाथ से पुश करना है। हाथ में वेट लेना है, लेग स्विंग को आगे की तरफ फेंकना है, इससे जंप करते हुए ऑब्स्टिकल के ऊपर आपने इस तरह से लैंडिंग करनी है। अभी ध्यान से देखें, लेग स्विंग कर ले पहले और यहां से वन स्टेप पीछे से थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट ले लें और यहां पर इतना अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो गाइज आप नॉर्मल मूवमेंट के साथ इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ऑब्स्टिकल के ऊपर आप इस तरह से बैठ सकते हैं टेक ऑफ और स्विंग लेने के बाद। धीरे धीरे स्विंग को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें और वन स्टेप स्विंग भी ले सकते हैं आप इस तरह से। यहां से रेडी, अब इस तरह से पैर को जितना ऊपर फेंकेंगे गाइस, यहां पर पैर को जितना ऊपर फेंकेंगे और आगे की तरफ फेंकेंगे, साथ ही साथ हाथ से पुश करेंगे तो आपका ऑब्स्टिकल बहुत ही इजीली क्रॉस हो जाएगा। तब तक आपने कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस करना है। इतना होने के बाद अब आपने फिनिशिंग किस तरह से करना है, हाथ से पुश किस तरह से होगा और लैंडिंग किस तरह से करनी है, ध्यान से देख लें एक बार। रेडी, आपका मूवमेंट यहां से आया, आपकी लैंडिंग यहां पर आई, ऑब्स्टिकल के ऊपर कर लिया। अब दोनों हाथों को इस तरह से लगाना है आपने और पैर को पीछे से आगे की तरफ पुश करते हुए, हाथों से भी पुश करते हुए इस तरह से लैंडिंग कर लेनी है आपने। पुश एंड लैंडिंग, पुश लैंडिंग। यहाँ पर आपने लास्ट मूवमेंट में हाथ में वेट लेना है और पैरों को आगे की तरफ इस तरह से पुश करते हुए फिनिश कर देना और लैंडिंग इजीली करते हुए आगे की तरफ मूव हो जाना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है और अब आपने ऑब्स्टिकल को पूरा क्लियर करने की कोशिश करना है। इसके लिए आप टू स्टेप रन ले सकते हैं यहां से, हल्का मोमेंटम को कंटिन्यू आगे की तरफ रखने के लिए। इस तरह से 1-2 मोमेंट लिया और अब आपने यहां से आगे की तरफ पैर को फेंकना है उसी मोमेंटम में कंटिन्यू रखते हुए। ध्यान से देखिए एक बार, रेडी, यहां से 1-2 इस तरह से लास्ट मोमेंट में आपने हाथ से पुश करते हुए ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना है। एक छोटी हाइट में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको हाइट इंक्रीज करना है और हाइट में करने के लिए आपने थोड़ा सा रनिंग लेना है, स्पीड करते हुए लेग स्विंग को भी ऊपर की तरफ फेंकना है इस तरह से। इसको आप दोनों लेग एक साथ रखते हुए भी क्रॉस कर सकते हो इस तरह से। गाइज यहां तक आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते तो जल्दी से लाइक कर दो, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सो गाइज बढ़ते हैं थर्ड मूव जो है टैस वॉल्ट। सबसे पहले आपने अपनी जंप को चेक कर लेना है और जंप को चेक करने के लिए इस तरह से आप ऑब्स्टिकल के ऊपर जंप कर सकते हैं नॉर्मल 1-2 इस तरह से। छोटी हाइट वाले ऑब्स्टिकल लें और जंप को पहले चेक कर लें इस तरह से। अगर आपका जंप इतना हो रहा है तो आप रेडी हैं मूव करने के लिए। नाउ अब आपको स्विंग लेग को ऑब्स्टिकल के ऊपर लगाते हुए, जंप के बाद स्विंग लेग को ऑब्स्टिकल के ऊपर लगाते हुए लेफ्ट लेग को आगे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ चले जाना है। सर रनिंग जंप एंड नाउ गाइज अब आपने यहां पर क्या करना है, जंप को थोड़ा सा हाइट से करना है और पैर को लास्ट ऑब्स्टिकल के लास्ट आगे वाले कॉर्नर में लगाते हुए पार करने की कोशिश करना है। एक चीज और ध्यान रखना है गाइज, आपने डैश बोल्ट में जब आप जंप करेंगे तो बहुत क्लोज से जंप नहीं करना है, इसको थोड़ा सा पीछे से जंप करते हुए क्रॉस करने की कोशिश करें, तभी आपका जो मोमेंटम है, आपका लेग जो फेंकने का जो मूवमेंट है, तभी आपका अच्छे से बन पाएगा कुछ इस तरह से। सो गाइज अब आपने यहां पर देखना है लास्ट मोमेंट में दोनों हाथों को लगाना है और पैरों को आगे की तरफ पुश करते हुए इस तरह से, जो हमने इस तरह से फर्स्ट स्टेप में सीखा था पुश कैसे करना है दोनों हाथों से, वो मोमेंट आपने यहां पर प्रैक्टिस करना है और पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए आगे की तरफ फेंकना है कुछ इस तरह से।
नाउ गाइज, इतना होने के बाद अब आपने फाइनली फुल ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करने के लिए आपने ध्यान रखना है, टेक ऑफ के बाद दोनों पैरों को ऑब्स्टिकल से ऊपर फेंकना है और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए पैरों को आगे की तरफ फेंकना है और लास्ट मोमेंट में दोनों हाथ लगाते हुए आपने पैर को आगे फेंकना है और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना है। कुछ इस तरह से ध्यान से देखें, जब टेक ऑफ लेंगे टेक ऑफ के बाद पैर को ऑब्स्टिकल से ऊपर प्लस आगे फेंकने की कोशिश करना है और लास्ट मोमेंट में हाथ से पुश करते हुए ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना है। तो गाइस, इस तरह से स्टार्टिंग में छोटी हाइट वाले वॉल को लेना है। इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद आप हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी जंप भी इंक्रीज होनी चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, आप ये तीनों वॉल्ट को तभी मास्टर कर पाएंगे जब आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे और टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ आपने अपने आप को सेफ भी रखना है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।